हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय नेगी यूके 11। दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्ट मैं इवनिंग से कर रहा हूँ। शाम का समय है और मैं विद्यालय से वापस आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि मेरी मम्मी जा चुकी है दिल्ली, जहाँ मेरे भाई लोग रहते हैं, तो कुछ काम है इसलिए मम्मी वहाँ जा चुकी है। आजकल मैं, मेरी वाइफ और दादी और पापा ही घर पर हैं। दादी आराम से यहाँ पर बैठी हुई है। दादी, ये चश्मे लगा के आँख दिख रहे हैं? अच्छा, काफ़ी फर्क चाहिए नुबिन, दिक्कत तो नहीं होनी आँखा देखने में? और तबीयत ठीक चब? ठीक सा था क्या? अच्छा, थोड़ा ठीक चे। दादी की थोड़ा तबीयत हो गई थी ख़राब, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा, थोड़ा ठीक है पहले से। ठीक ठीक ठीक। और ये सामने आंगन और सामने बगल पड़ोसी लोगों का घर और सामने पहाड़ी और ऊपर आप गगन में देख सकते हो, मेघ दिख रहे होंगे आपको, हल्के काले मेघ। और अब ये चलता हूँ अंदर। और आज दोस्तों मैं बाजार से लेके आया ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है और बेनिफिशियल होती है। साथ में कुछ मैक्रोनी के पैकेट्स भी ले आया मैं। और ये है हमारा किचन, और जहाँ किचन में है मेरी वाइफ, जो बना रही है गरम गरम रोटी। कहती है कि पहले से नहीं बनाऊंगी, गरम गरम रोटी खिलाऊंगी तुमको। ठीक है, अच्छी बात है। और ये बना रही है, और इसमें क्या है, चाय? ओके, गुड। सो फ्रेंड्स, अभी जो है नाइट का टाइम हो चुका है और मैं थोड़ा किचन में हूँ और थोड़ा आटा गूंथ रहा हूँ, क्योंकि मम्मी आजकल है नहीं और मेरी वाइफ है। लेकिन चलो, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, काफी दिनों बाद। तो अभी आटा है यहाँ पर, ये है आटा, और अब हम ट्राई करते हैं गूंथने की। थोड़ा डालते हैं पहले पानी, और इसमें इस तरीके से करेंगे हम ट्राई। अब तू स्टार्ट कर ब्लॉगिंग। कर रहे? शाबाश शाबाश कर तू केवल। हैं, तेरे को क्या लग रहा है कि मेरे को आटा गूंदना नहीं आता है? ये बहुत ऊपर है ना, तो पिछो मजा। नो 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 नो, डोंट टीच मी। आई नो, मुझे पता है भाई, ये अपने को काम नहीं कर रही, मुझे बोल लिया आप करो। चलो कोई नहीं, कभी कभी करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्प करने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, है शाबाश 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 बोल रही है। शाबाश बोलने से क्या काम चलेगा? जमे चप्पल पहने तो माखो टने आएगा तो बेटे जमे जुरा पे दो। आटा लगभग लगभग गून के मैंने तैयार कर दिया है, और चलो मैंने सोचा आज क्यों ना अपनी वाइफ की थोड़ा मदद कर लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मम्मी दिल्ली जा चुकी है, तो आजकल ड्यूटी हम लोगों की है। और दिखा भी ले रहे कि कौन मन कौन गूंथ रहा आटा, सबको पता है भाई आप गूंथ रहे आटा। तो वैसे इतनी बड़ी बात भी क्या है, पर लेकिन कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं है यार, काम तो क्या है, नॉर्मल। पहले गूंथता ही था मैं, जब कण प्याग में रूम था मेरा। ते दूड़ा कटोरू ना आटा बनाए हमने आटो। तो ये बोली कि क्या बढ़िया आज हमने। हो गया हो गया। सो गाइस, आटा मैंने गूंद लिया है, और आटा गूंद के अब रोटी बनाने का काम मेरी वाइफ का। आटा गूंद के यहाँ पर रख दिया है मैंने, अब आपके लिए इजी हो गया है। और ये देखो, ये अंगूर देखने पे लगी हुई है कि मैं आज अंगूर खाऊंगी, है ना। बस खाते रहो भाई, मौज उड़ाते रहो, तुम्हारा ही है मौज है। चलिए, ये मैंने गूंथ दिया है, अब आप आगे आप अपनी ड्यूटी निभाइए, ठीक है? चलो, ओके। हेलो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और ब्लॉग तो मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था। और आज का मौसम अभी तक ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन हल्के फुल्के बादल आप देख सकते हो। बीच में तो गगन एकदम नीला आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी बादल कुछ दिख रहे हैं। देखते हैं शाम तक किस तरीके का मौसम बनता है। और
आप जो है चारों ओर का इन्वायरमेंट देखिए अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि बीच में काफ़ी बारिश आई, इससे एक नया उत्साह, एक नई स्फूर्ति नज़र आ रही है इन्वायरमेंट में। दोस्तों अब मैं करूँगा नाश्ता, और उससे पहले देखता हूँ कि आज नाश्ते में क्या बन रहा है। तो दोस्तों आज जो है गोभी के परांठे बनाने की तैयारी चल रही है, और उसकी प्रोसेस हिमानी ने स्टार्ट भी कर ली है। ये बना रखा है यहाँ पे पेस्ट गोभी, और ये क्या है, घी। अरे वाह, घी का इस्तेमाल करोगे आप यार, घी खिला के तुम मेरा गला खराब मत करना भाई, इससे ज़्यादा ऑयली चीज़ है ना। और आटा भी गूंदा हुआ है वहाँ पे, और इसमें हमने इस्तेमाल किया गोभी, ये वाली पत्ते गोभी, पत्ता गोभी नहीं, वो फूल गोभी जो। अच्छा फूल गोभी, फूल गोभी इसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और ये है घी, ये कौन सा घी है, बाजार वाला या जो मंगा रखा था। अच्छा ओके, तो अब ये तवा रख दिया है इन्होंने, और अब बनेंगे परांठे, और जिसको खाएंगे हम चाय के साथ। कह देना यू आर प्लेट नंबर यू है। अरे यार ले पकड़, और आप बनाइए तब तक हैं, ठीक है ओके। ये है यहाँ पे परांठे, आप देख सकते हैं, और ये देखो घी की मात्रा किस तरीके से आप इसमें देख सकते होंगे, और चाय भी उबल रही है, और यहाँ पे मैम लगी हुई है बनाने पे। तो मैंने बहर मदर या क्यों है तुम ओके। चलिए सो गाइस, ये मेरे लिए तो यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो ये है यहाँ पर पराठा, गोभी का पराठा, साथ में है सब्जी, और थोड़ा चाय भी लिया हो भाई, चाय के बगैर नहीं होता अच्छा।